Go, Puppy, come. Puppy, come. Puppy. 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 Teddy, Teddy, Teddy. Teddy. Teddy, Teddy, Teddy. कैसे हो तुम? तुमने खाना खाया? टेडी तो किधर है? अरे कृष्णा, हम खेलने जाते हैं, पता हम क्या खेलेंगे? ये किसे खेलेंगे हम लोग? पता है किसे खेलेंगे हम लोग? ऐसे तुम्हें आता है ऐसे खेलने? कृष्णा ये लो। संजू, संजू एक बार उठ जाओ, एक बार उठ के मुस्कुरा दो। संजू देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, देखो चॉकलेट। संजू चॉकलेट कौन खाएगा, कौन खाएगा? संजू ये चॉकलेट लो ना, तुमने सिर्फ एक बार आंखें बंद कर दी, मेरी पूरी जिंदगी सूनी हो चुकी है। संजू मेरी पूरी जिंदगी सुनी हो चुकी है। संजू प्लीज आके खोलो ना, मेरी जिंदगी में खुशियां वापस से दे दो। संजू, संजू, संजू तुम्हें मस्ती करनी है, मस्ती करोगी? जितनी मस्ती करनी है करो, जितनी शरारतें करनी है सब करो, पूरे घर को सर पे उठा दो। संजू मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं डांटूंगा तुम्हें, एक बार आके खोल दो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ संजू, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख। अक्षय, 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 अक्षय। अक्षय, संजू कहाँ? कहाँ है संजू? ममता, संजू कहाँ है? कोई मुझे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? यहां पर कहां है संजू? सर तुम शांत हो जाओ, आराम से बैठकर बातें करते। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए ममता। बताओ अक्षय, संजना को क्या हुआ, किधर है वो? सर संजना के साथ छोटा सा हादसा हो गया, लेकिन वो अभी बिल्कुल ठीक है। तो ये ख्याल रखा तुम लोग ने मेरी बेटी का? हाँ, एक जिम्मेदारी नहीं निभा सकी तुम लोग, एक जिम्मेदारी। अरे मुझे फोन कर दिया होता, मैं उसके रेगुलर डॉक्टर को फोन करता, लेकिन तुम लोगों ने तो फोन ही नहीं किया। मुझे पूछ सकता हूं क्यों? क्यों? सेठ अंकल, संजना बिल्कुल ठीक है। आप लोग मुझे ये बताइए, क्या डॉक्टर ने आप लोगों से ये नहीं कहा था कि संजना के रेगुलर साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट कीजिए? मॉम, क्या डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा था? मॉम, क्या ये सच है? कृष्णा वो मॉम, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या डॉक्टर ने कहा था कि संजना को रेगुलर साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा? कृष्णा बेटा, बात यह है कि
आप बीच में मत बात कीजिए मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव। मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूं। बताइए मॉम, हाँ या ना? हाँ। मुझे पता है कि आपने क्यों किया। आप इतने स्वार्थी हो सकते हैं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। आपने यही सोचा होगा ना कि अगर सिड अंकल को संजना की हालत के बारे में पता लग गया तो वो संजना को इस घर से ले जाएंगे और फिर मैं इस घर से निकलकर संजना के साथ रहूंगा, जिससे आपके जज्बातों को ठेस पहुंचती। एक बार फिर आपने ये साबित कर दिया कि आप एक गैर जिम्मेदार इंसान हैं, जो कि आप हमेशा से थे। कृष्णा, भला मैं संजना का बुरा क्यों चाहूंगा? हमने सिट को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम संजना के होश में आने का इंतजार कर रहे थे ताकि सिट को पेंशन ना हो, और डॉक्टर ने कहा था कि संजना खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर ने यह नहीं कहा था कि संजना को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है? हाँ, मगर इतनी सीरियस बात ना आपने मुझे और ना ही सिड अंकल को बताई। आपसे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, लेकिन मॉम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मॉम इतनी लापरवाही, वो भी संजना के लिए। आप नहीं चाहती कि संजना ठीक हो जाए? कृष्णा, तुम ये क्या कह रहे हो? हम क्यों चाहेंगे कि संजना ठीक ना हो? हम संजना की बुराई क्यों चाहेंगे? तुम अपने माँ बाप पर इल्जाम लगा रहे हो। अक्षय ने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, जब मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया तब भी। तुम अक्षय के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? वो तो सिर्फ दुनिया के सामने, लेकिन आज इनकी असलियत सामने आ चुकी है। ये कल भी मेरी खुशियों के दुश्मन थे और आज भी। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। इन्हें मुझसे दुश्मनी निभानी है ना, ये निभाते रहे, लेकिन आज इन्होंने दुश्मनी में संजना की जान को खतरे में डाला है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूं। माँ हो तुम ममता, हमारी बच्ची के तकलीफ के वक्त तुमने उसे अपने माँ बाप से दूर रखा। तुम सोच भी सकती हो इस वक्त हम पर क्या गुजर रही है। याना मेरी बात तो सुनो। बस ममता बस, अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। हमने जो गलती एक बार की है वो दोबारा नहीं दोहराएंगे हम। इतना सब कुछ होने के बाद सिड अपनी बच्ची को एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने देंगे। सिड, प्लीज संजना को लेकर चलो यहां से, प्लीज सिड। एक दिन नहीं संभाल पाए मेरी बच्ची को, जिंदगी भर क्या संभालोगे? कम हमारे घर में सलामत तो रहेगी, प्लीज सिर ले चलो उसे। फिर भले ही मेरी बच्ची जिंदगी भर अकेले रहे, चलो उसे। संजू, संजू, संजना बेटा, संजू। संजू, पा, संजू,
तुम्हें चोट कहाँ लगी? चोट कहाँ लगी तुम्हें? कहाँ लगा तुम्हें? फिक्र मत करो, तुम्हारे पास आ गया ना, अब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम मेरे साथ ही रहेगी। सेठ सुनो तो, बस अक्षय बस, एक और शब्द नहीं, मैं अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लिए जा रहा हूं। और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, समझे तुम? चले सेठ, चलो याना। चलो संजू। संजू क्या हुआ बेटा? पा? पा वो क्यों रो रहा है? बताइए ना प्लीज। कृष्णा के हाथ को क्या हुआ? संजू चलो। संजू कृष्णा, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ तुम मत रो। आओ। स्ट्रॉन्ग बच्चे हो ना, तो स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं रोते। कृष्णा तुम्हें पता है, मेरी जो गुड़िया रानी है ना, उसका गुड्डा कभी नहीं रोता। उसे चोट लगा ना, तो भी वो हंसते रहता है। तुम भी मेरे गुड्डा हो ना, तो तुम्हें भी हंसना चाहिए ऐसे। लेकिन कृष्णा बताओ ना, ये तुम्हें कैसे लगा? मुझे ये पता है, वो आग से तुम्हारा हाथ जल गया ना, वो किचन में जब वो कपड़ा लेके मैं, तभी ना तुमने इसमें दवाई लगा दी। मैं लगा दूं? पता है कृष्णा, जब भी मुझे चोट लगती है ना, तो पा वहां पे दवाई लगा देते हैं और वो यूं ठीक हो जाता है ना पा? संजना चलो बेटा यहाँ से। कब? रुको याना, रुको। संजू क्या तुम बताओगे कि कृष्णा को ये चोट कैसे लगी? हाँ पा, वो क्या है ना, वो नई दुल्हन जो होती है ना, वो शगुन की खीर बनाती है। मुझे बचाते वक्त ना कृष्णा के हाथ में एक चोट लग गई। आप कृष्णा को भी दवा लगा दीजिए ना प्लीज। अब संजना की बातों पर विश्वास करके हम उसकी जिंदगी कैसे खतरे में डाल सकते हैं सिर्फ? प्लीज अब तुम इन लोगों की बातों में मत उलझना। जाना नहीं, अरे देखो अपनी बेटी को कितनी समझदार होगी ये संजू, कितना लगाव है उसे कृष्ण के साथ।
बहुत प्यार करते हैं ये दोनों एक दूसरे से। मैं एक बाप जरूर हूं याना, लेकिन प्यार का दुश्मन नहीं। मैं इन दोनों को कभी जुदा नहीं कर सकता, कभी नहीं। बहुत खुश हूं मैं आज, बहुत खुश। मैं संजू का पिता हूं, लेकिन प्यार का दुश्मन नहीं याना। मैं इन दोनों का हरगिज अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा सेठ? मतलब ये याना कि आज के बाद संजू इसी घर में रहेगी, कृष्णा के पास, उसके कृष्णा के पास। पता है क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि कृष्णा संजू को बहुत खुश रखेगा, मुझसे भी ज्यादा। संजना यहीं रहेगी। पर मेरा यकीन करो, वजह सिर्फ यही थी कि हम संजना के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि तुम्हें टेंशन ना हो, और कुछ नहीं। हाँ सर, माफी तो मांगनी ही है, लेकिन सच मानो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हो। Actually, I'm sorry also. मैं शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया। क्या करूं? एक बाप जो हूं अक्षय, तुम तो समझ सकते हो ना। I hope you all understand. संजू को लेकर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ यार। I hope you all understand. I'm very sorry. Krush, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे, मुझसे भी ज्यादा। मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकता। आज के बाद संजू यहीं रहेगी, सिर्फ तुम्हारे पास। इतनी मेहनत की पर सब बेकार गई, अब किसी और मौके का इंतजार करना पड़ेगा, और उस मौके को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा।